आज मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताने वाला हूँ। पहले एडवांटेजेस पे फोकस करेंगे, फिर डिसएडवांटेजेस भी बताऊंगा। किसी भी एरिया में जब आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हैं तो आपको दोनों एस्पेक्ट्स पे स्टडी करना चाहिए। तो आज मैं आपके इस स्टडी को कंप्लीट कराने वाला हूँ, क्योंकि आप अगर सही से समझेंगे तभी अच्छे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और तभी समझदार कहलाएंगे। तो कोशिश करूंगा जो मेरे एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूं और एग्जैक्ट पिक्चर आपको दूं। मेरी कोशिश रहती है कोई भी ऐसी पिक्चर गलत ना दूं जो आपको फैब्रिकेटेड लगे। एग्जैक्ट पिक्चर देखिए और समझिए आज इस वीडियो में कि क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं इस द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को आज समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे एक माइक्रो सिटी के तौर पे उभर के सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद आके इसका फीता काट दिया है, इसको इनॉग्रेट कर दिया है और अब ये ट्रैफिक कंजेशन जो कि दिल्ली और गुरुग्राम के बीच में एक अच्छी कनेक्टिविटी भी दे रहा है और NH 48 पे जो ट्रैफिक कंजेशन था उससे भी कहीं हद तक अब आपको राहत देने वाला है। 19 किलोमीटर का स्ट्रेच जो हरियाणा के अंदर है और दिल्ली के अंदर करीब 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है। ये 8-लेन एक्सप्रेसवे, जैसे हरियाणा की बात करें तो 4100 करोड़ रुपए में ये बना है और इससे कनेक्टिविटी इम्प्रूव हुई है और इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस हुआ है। तो एडवांटेजेस के ऊपर जब फोकस करते हैं तो सबसे पहला एडवांटेजेस ही यही है कि कनेक्टिविटी एनहांस हुई है, मतलब दिल्ली गुरुग्राम के बीच में प्रॉपर कनेक्टिविटी। इससे बिजनेस और कमर्शियल हब NCR का ये बन के सामने आया है और प्रॉपर कनेक्टिविटी गढ़ी हसरू, पटौदी रोड, फरकनगर, इन सबसे भी अच्छी कनेक्टिविटी हुई है जिससे ट्रेवल टाइम काफ़ी रिड्यूस होता है और इससे रियल एस्टेट को भी, जो डेवलप्ड सेक्टर्स हैं उनको भी फायदा मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जब बात इंफ्रास्ट्रक्चर की आती है तो प्रॉपर रोड्स जिसके ऊपर, सेक्टर रोड जिसके ऊपर काफ़ी काम ऑलरेडी हुआ है, थोड़ी हालत खास्ता ज़रूर है लेकिन सेक्टर रोड पे काम हुआ है। प्रॉपर वाटर सप्लाई का अरेंजमेंट है और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं भी यहां पर देने की कोशिश करी है। धीरे धीरे उसे अपग्रेड कर रहे हैं इकट्ठे, प्रॉपर 100% तो नहीं मिल सकता लेकिन काफ़ी हद तक पावर इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ मेंटेन किया गया है, तो जिससे हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो रेजिडेंट्स की है वो प्रॉपर यहाँ बनती नज़र आ रही है। अब बात करते हैं एप्रिसिएशन पोटेंशियल की। पिछले 4 सालों में द्वारका एक्सप्रेसवे ने अच्छा खासा एप्रिसिएशन दिया हुआ है और जिस हिसाब से अब कनेक्टिविटी खुली है अभी भी यहाँ एप्रिसिएशन की गुंजाइश दिखती है। प्रॉपर्टी के प्राइजेस, अच्छी प्रॉपर्टी के प्राइसेस स्पेशली कहूँगा मैं, उनमें गुंजाइश दिखती है। अगर आपने बाइंग ही गलत रेट की है तो वहाँ प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिसिएशन क्या करेगा। तो राइट टाइम, राइट एंट्री और राइट एग्जिट प्रॉपर्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन पोटेंशियल मेरे को इस एरिया में दिखता है। अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शन, वैसे तो नए प्रोजेक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं आ रहे हैं लेकिन अभी भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। पुराने प्रोजेक्ट में सेकेंडरी मार्केट में भी आप बाय कर सकते हैं और गिने चुने अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आपको द्वारका एक्सप्रेसवे मिल जाएंगे। मतलब अगर आपका बजट 30 से 40 लाख का है तो आप अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शन नए या पुराने में जाना चाहते हैं तो 50 से 80 लाख रुपए के बजट में आप ऐसे अफोर्डेबल हाउसिंग प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शंस भी तराश सकते हैं। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में। जैसे जैसे ये प्रॉपर रोड बन रही है इसका सबसे अच्छा इम्पैक्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में देखता हूँ, क्योंकि इससे पॉल्यूशन काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा। जो घंटों जाम में जब आप लगे रहते हैं तो आप शायद नहीं समझ पाते, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। जब ईजी ट्रैवल होगा तो उसमें ट्रैफिक
कंजेशन या ट्रैफिक जाम नहीं होगा तो वहाँ पॉल्यूशन भी कम होगा और ट्रैवल टाइम भी आपका काफ़ी कम हो जाता है। तो NCR से प्रॉपर कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे को मिल रही है, तो इसका बेनिफिट एनवायरनमेंट के ऊपर भी अच्छा पड़ रहा है, एयर क्वालिटी भी इससे इम्प्रूव होती है, तो आप और हम हेल्दियर रह पाते हैं, तो रेजिडेंट्स को एक अच्छा एनवायरनमेंट भी मिल पाता है। और अब बात करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट के बारे में। जैसे जैसे यहाँ डेवलपमेंट हो रही है तो वैसे वैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ अथॉरिटीज़ धीरे धीरे डेवलप कर रही हैं। मतलब द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास आपको बहुत सारी जो कम्युनिटी रिलेटेड सर्विसेज हैं वो GMD उस पर वर्क कर रही है। साल दो साल में आपको ऐसी बहुत सारी सर्विसेज फ्यूचर में देखने को मिलेगी, तो इससे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से एक प्रॉपर लिविंग एनवायरनमेंट तैयार होता है, तो वो आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे अब दिखना शुरू हो जाएगा आने वाले 2-3 सालों में। तो चलिए अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। जी हाँ, कनेक्टिविटी चैलेंजेस, अभी भी कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें 24 मीटर की रोड प्रॉपर नहीं बन पाई है, कुछ क्या बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें 24 मीटर की रोड नहीं बन पाई है, तो इनकम्प्लीट रोड के कारण ट्रैवल एक्सपीरियंस कई बार खराब भी मिलता है। तो कौन कौन से वो एरिया हैं, जो स्पॉट्स हैं जो आपको ख़राब नज़र आ रहे हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जिसे बाकी व्यूअर्स भी उसे देखकर समझ पाएँ। फिर बात करें सेक्टर डेवलपमेंट डिले की, तो 102, 103 और 105 सेक्टर में प्रॉपर यहाँ पर जो एक्सेसिबिलिटी है उसको लेके डिले देखने को मिला है, अभी भी पूरी तरह से वो नहीं बन पाया है। और ऐसे लोग जो वहाँ रह रहे हैं उनको कनेक्टिविटी का, सेक्टर रोड कनेक्टिविटी या सेक्टर डेवलपमेंट का काफ़ी ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। मतलब डिले लोगों को परेशानी से डेली रूबरू होना पड़ता है। रोड क्वालिटी कंसर्न्स, रोड बन तो गई लेकिन अभी भी लोगों को गड्ढों में से होकर गुजरना पड़ता है। कई ऐसे रोड्स हैं जैसे कि 75 मीटर रोड जो दिल्ली का पार्ट है, उसमें लोगों को गड्ढों के बीच में से होकर निकलना पड़ता है, मतलब वहाँ गड्ढों के बीच में सड़क है, ये एक परेशानी है। एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है लेकिन 75 मीटर रोड के ऊपर भी प्रॉपर अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और कुछ सेक्टर रोड्स हैं जैसे 114 वाली सेक्टर रोड जो है, वहाँ पर भी आपको गड्ढों के बीच में से गाड़ी लेके जानी पड़ती है, वहाँ रोड भी नदारद है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव हो सकती हैं। फिर बात करें हेल्थ केयर फैसिलिटी की, तो हेल्थ केयर फैसिलिटी द्वारका में तो है लेकिन गुरुग्राम में अभी भी नहीं है। अभी भी सेक्टर 37 में एक हॉस्पिटल बना है या न्यू गुरुग्राम में एक हॉस्पिटल बना है, 2-3 ही बड़े हॉस्पिटल हैं यहाँ पर। जो शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनना था वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरी तरह बन के तैयार नहीं हुआ है। लैक ऑफ नियर बाय मार्केट्स, कमर्शियल डेवलप तो हुए हैं लेकिन लिमिटेड कमर्शियल्स हैं। अगर द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो कॉन्शंट 1 एक ऐसा कमर्शियल है जो चल रहा है, दूसरा कमर्शियल उसके बाद सीधा ओकस मेडली का आता है और उसके बाद सफायर मॉल, ये 2-4 ऐसी चीज़ें हैं कमर्शियल में जो प्रॉपर चल रही हैं। बहुत ज़्यादा अप्रूव्ड कमर्शियल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती, तो अनअप्रूव्ड मार्केट्स यहाँ पे डेवलप हो चुकी हैं। तो अगर आप कमर्शियल स्पेस देख रहे हैं तो पालम विहार या ओल्ड गुरुग्राम जैसे जो एस्टेब्लिश मार्केट्स हैं, पुरानी मार्केट्स हैं, वहाँ आपको जाना पड़ता है। और छठा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ के लोग फेस कर रहे हैं वो है सर्विस रोड प्रॉपर नहीं बनी है, अभी भी 1.5-2 साल का समय यहाँ पे दिख रहा है, जो कि परेशानी का सबब बनी हुई है। मोदी जी उद्घाटन करके चले गए लेकिन कनेक्टिविटी अभी भी कई प्रोजेक्ट्स को नहीं मिल पाई है। जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसे कनेक्ट कर दिया गया है। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैं अपनी एडिटिंग टीम को कहूँगा कि आपको वो सारी चीज़ें दिखाएं और आप समझें कि ये कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी। पीछे आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी लेकिन ये कनेक्टिविटी नहीं है। और मजबूरी में डेवलपर जिसने प्रोजेक्ट बना दिया या वो लोग
जहाँ पे अब लोग रह रहे हैं, मतलब पोजीशन डेवलपर ने दे भी दिया, लेकिन चूंकि जीएमडीए ने यहाँ सर्विस रोड नहीं बनाई है, इस कारण से लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो वो परेशानी मुझे लगता है कि अगर जीएमडीए टाइमली बना देता तो शायद लोगों को देखनी नहीं पड़ती। तो प्रोजेक्ट नया लेने से पहले इन सब चीज़ों को ज़रूर देख लें, समझ लें और एक सजग बायर बने, तभी प्रॉपर्टी बाय करें। कैसे लगी आपको मेरे द्वारा दी गई ये सारी जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।